चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम बाहर। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 13 और 14 सितंबर को ब्रसल्स में होने वाले डायमंड लीग के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ज्यूरिक डायमंड लीग के बाद नीरज 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 13 और 14 सितंबर को ब्रसल्स में होने वाले डायमंड लीग के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ज्यूरिक डायमंड लीग के बाद नीरज 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 29 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर 21 अंकों के साथ दूसरे और चेक गणराज्य के जेकब वदलेज 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मोल्दोवा के एंड्रियन मार्डेरेक 13 अंक और जापान के रोडरिक चेन की डीन 12 अंक टॉप 6 में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ब्रसल्स में अपना स्थान पक्का किया। पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम केवल 5 अंक के साथ बाहर हो गए। नीरज ने इस सीजन में डायमंड लीग के सिर्फ 2 संस्करणों में हिस्सा लिया है। इस साल की शुरुआत में मई में उन्होंने दोहा में 88.86 मीटर भाला फेंका और जेकब के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जो भारतीय एथलीट से सिर्फ 0.02 मीटर आगे थे। लुसाने में नीरज ने फिर से 89.49 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया, जो उनके इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर और टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा अभी भी 90 मीटर की थ्रो की तलाश में हैं। नीरजन ने कई बार 89 मीटर का मार्क पार किया है, मगर वह एक भी बार 90 मीटर तक भाला नहीं फेंक पाए हैं। पेरिस में क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 89.34 मीटर का शानदार थ्रो किया और 84 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क को आसानी से पार कर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में नीरज का प्रदर्शन कमजोर दिखा, लेकिन 89.45 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। जहां तक डायमंड लीग में हिस्सा लेने की बात है तो नीरज 2022 में ज्यूरिख में शीर्ष पर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2023 में यूजीन में दूसरा स्थान हासिल किया। अब फोकस नीरज और ब्रसल्स में उनके प्रदर्शन पर रहेगा।